بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ علم عمل اور دین کی دعوت دینے والے تین خوبیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اندر رکھنے والے ان کی شان و عظمت کتنی ہی زیادہ اللہ مجھے آپ کو ہمارے کنبوں کو بہن بھائیوں کو ان کے کنبوں کو سب کو ان میں داخل فرمائے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیب لوگوں کو عمدہ زمین سے تشبیہ دی ہے جو بارش کے پانی سے خود فیضیاب ہو, گھاس پھوس چارہ اگائے, لوگ اور چوپائے, اللہ کے فضل و کرم سے اس زمین سے فیض پائے, اس کے اگائے ہوئے چارے گھاس پھوس کو کھائیں اور اس کا پانی پیئے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حوالے سے جو بات کہی کل کے سبق میں وہ پڑھی جا رہی تھی. صفحہ کے درمیان میں امام ابن قیم کا بیان 42 آیت کریمہ جو درمیان میں لکھی ہے اس سے دو سطر اوپر. اسی وجہ سے یہ لوگ کون لوگ؟ تین خوبیوں والے. میرے ساتھ دہرا لیجئے, علم والے, عمل والے اور دین کی دعوت دینے والے. یا اللہ یا اللہ نصیب فرمائے. اور یہی وہ لوگ ہیں. عبد النافع ساری توجہ میری طرف کرو, کیمرے سارے آنکھ کے میری طرف اگا دو. آپ بیٹھو کہ مردم شماری کے افسر تو نہیں آپ. اور اسی وجہ سے یہ لوگ حضرات انبیاء علیہ السلام کے وارثین قرار پائے. گھروں میں کوئی بچہ بہت زیادہ پسند ہو تو کہتا ہے باپ یہ میرے ابا پر ہے. کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اپنے دادا پر ہے. اور بیگم اگر اس کی کچھ بولنے کی طاقت ہے کہتی ہے نہیں میرے ابو پر ہے. گھروں میں ہے کہ اچھا آدمی اس کا تعلق اچھے لوگوں سے جوڑا جاتا ہے. مخلوق میں سب سے اعلیٰ لوگ, سب سے اچھے لوگ حضرات انبیاء علیہ السلام. تو ان لوگوں کا تعلق کن سے ہے؟ انبیاء اور رسل سے. اور کیسا تعلق ہے؟ یہ ان کے وارث. اللہ اکبر. اور حضرات انبیاء اور رسل علیہ السلام ان کے بارے میں اللہ مالک نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اور آپ یا اللہ یا اللہ رب کا پیار ہے جس خوش نصیب کے نصیب میں آ جائے. اور آپ ذکر کیجئے کن کا؟ لا الہ ہمارے بندوں کا, جس کے اپنی بندگی میں شامل کرنے کا اعلان عرش والے رب کرے. ایک یہ ہے کہ کوئی شخص کے اللہ کی بھی کوئی مثال نہیں. ہمیشہ یاد رکھنے کی بات کو ذہنوں کے قریب آنے کے لیے, ایک یہ ہے کہ کوئی کہے پی ایم سے میرا تعلق ہے
और एक पीएम आदल ऐलान कहे, नशी तकरीर में कहे, फुला बंदा वो मेरा दोस्त है, दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? पीएम बेचारा पता नहीं आज कहां है कल का। और इस्लामाबाद वाले तो जानते हैं कि क्या कुछ होता है इनके साथ। तो यहां अर्श वाले रब अपने अंबिया के बारे में क्या कह रहे हैं, वस्कुर इबादना, आप हमारे बंदों का जिक्र कीजिए, या अल्लाह हमें उनका वारिस बना। कहते हुए तो शर्म आती है लेकिन मांगते हैं अपने रब से। कौन बंदे? इब्राहिम, इसहाक और याकूब। क्या थे वो? ये रब का बयान। उल ऐदी वल अब्सार, समझ आ रही, हाथों वाले और आंखों वाले। सवाल ये है, आंखें हाथ तो हमारे भी, जो अंबिया के तरीके पर नहीं वो अंधा है। आंखें हैं तो बस जाहिरी हैं, हकीकत में अंधा है। जो अंबिया के तरीके पर नहीं, हाथ तो है कोड़ा है, उसके हाथ छल हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। हाथ उसके हैं जो अंबिया के तरीके पर है, आंखें उसकी हैं जो अंबिया के तरीके पर है। यानी अल्लाह ताला के दीन में आंखों वाले, या अल्लाह आंखें तो दी हैं, अब दीन वाली दे, नाफरमानियों वाली ना हो, कि आंखों ही से हक का इदराक और पहचान होती है, और कुव्वत ही से, एक आंखें बात हुई, अब कुव्वत इसकी भी जरूरत है, बहुत जरूरत है। अल्लाह पाक को ताकतवर ईमान वाला कमजोर ईमान वाले से ज्यादा पसंद। और कुव्वत ही से हक की तबलीग, निफाज और उसकी तरफ दावत का काम सर अंजाम दिया जाता है। या अल्लाह हमें भी आंखें दे, हमें भी कुव्वत दे दे कि अपने हाथों को, अपनी कुव्वत को इल्म के सीखने, अमल के करने और आपके दीन की दावत में जुट जाए। सही बुखारी में उनवान हदीस, पहले भी बात गुजर चुकी है, फिर अर्ज करता हूं, हजरात मुहद्दिसीन के उम्मत पर बहुत ही ज्यादा एहसानात, कयामत तक आने वाली उम्मत पर हजरात मुहद्दिसीन के एहसानात, अल्लाह उनको उम्मत की तरफ से बेहतरीन जजा दे। उनकी जो नेकियां एहसानात उम्मत के साथ हैं, तवज्जो फरमाना, शायद मैं बात वादे कर सकूं मुख्तार साहब, उसकी एक शक्ल ये है कि उन्होंने सिर्फ अहदीस को पकड़ा, आगे हम तक नहीं पहुंचा, बल्कि हजरत मुहद्दिसीन ने अहदीस की क्लासिफिकेशन की है। चौधरी साहब जी, ये जो नया सिस्टम आज कहते हैं, नया नया नहीं, उससे पहले सदियों पहले मुहद्दिसीन बहुत कुछ कर चुके हैं। उन्होंने अहदीस की तकसीम की है, फिर तकसीम की तकसीम की है, फिर तकसीम की तकसीम की है, और हर हिस्से का एक उन्वान रखा। बतौर मिसाल समझिए, शायद मैं समझा सकूं, इमाम बुखारी रहमहुल्ला ने अपनी किताब में 16 साल में उन्होंने किताब लिखी, ये किताब सही बुखारी 16 साल में मुकम्मल, और 16 साल उस तरह नहीं गुजारे जिस तरह आज नौजवान यूनिवर्सिटियों में आवारा गर्दी में, कंटीनों में और पिकनिक में और पहाड़ों पर, ऐसे ही है ना,
किधर के नहीं, रॉबिन जो किताब लिखी 6 लाख अहादीस में से 7,000 कुछ अहादीस का इंतखाब किया, उन अहादीस को 91 हिस्सों में तकसीम किया, उन 91 हिस्सों को 3,882 हिस्सों में तकसीम किया। पहली तकसीम का नाम रखा किताब बुक, ईमान की किताब, नमाज की किताब, तहारत की किताब, हैज की किताब, नेकी की किताब, आदाब की किताब, रोजे की किताब, इस तरह 91 हिस्सों में तकसीम की। और जो 3,882 हिस्से थे उनमें से हर हिस्से का नाम रखा बाब, और बाब का माना आज की जबान में टाइटल। अहादीस पर अनामीन कायम किए, यानी सादा लफ्जों में अहादीस की रूह, उसको ऊपर आदि सतर में, पौनी सतर में, एक सतर में या चौथा हिस्सा सतर में बयान कर दिया। पता नहीं बात वादे हो रही। सारी हदीस पढ़ के मैं आपने जहां पहुंचना और पता नहीं पहुंचना। इमाम बुखारी का अल्लाह पाक ने ये कमाल अता फरमाया कि वो कुछ अहादीस से निकालते हैं आज तक लोग दंग और हैरान हैं। अल्लाह पाक ने इनको क्या दिमाग दिया। और इसी अहले इल्म में ये जुमला मशहूर है, फिक्हुल बुखारी फी तराजुमे, इमाम बुखारी की जो दीन की समझ है वो उनके टाइटल्स में। वाकईतन अल्लाह के फजल करम से हकीकत ऐसे ही है, आदमी उन्वान पढ़ता है तो दंग रह जाता है, दंग रह जाता है कि अल्लाह पाक ने अपने इस बंदे को कितनी समझ आता। बल्कि मैं तो समझता हूं अगर आदमी 3,800 अबवाब टाइटल जो उन्होंने लिखे हैं अगर वो पढ़ ले तो अल्लाह के फजल करम से उसे दीन का एक बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा। इस हदीस पर जो हमारे सबक की है, इमाम बुखारी ने यह उन्वान लिखा, बाब फजल मन अलिम व अल्लम, उस शख्स की फजीलत के मुतालिक बाब जिसने जाना यानी इल्म सीखा और يا الله نبي من شعبك فآخر دعوانا أن الحق السلام عليكم ورحمة الله یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکے جزاکم اللہ خیر